हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। राधे राधे। इस साल कब है छठ पूजा? जाने नहाए खाए खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य देने का समय देखें पूरा कैलेंडर। छठ पूजा का पर्व पूरे 4 दिन तक चलता है। इस दौरान महिलाएं सूर्य देव के साथ सृष्टि पूजा करती हैं। देखें छठ पूजा पर्व का कैलेंडर। हिंदू धर्म में छठ का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि से छठ पूजा आरंभ होती है, जो पूरे 4 दिन तक रहती है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए करीब 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखती हैं। इसे सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। बता दें कि इस पर्व का आरंभ नहाए खाए के साथ होता है और व्रत का पारण 4थे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ समाप्त होता है। इस पर्व को बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल आदि जगहों पर मनाया जाता है। आइए जानते हैं इस साल कब से शुरू हो रहा है छठ पर्व। इसके साथ ही जाने मुहूर्त के साथ अन्य जानकारी। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल षष्ठमी तिथि के साथ छठ पूजा आरंभ होती है। षष्ठमी तिथि 7 नवंबर को सुबह 12:41 से आरंभ हो रही है। 8 नवंबर को सुबह 12:35 पर समाप्त हो रही है। उदया तिथि के आधार पर छठ पूजा 7 नवंबर को है। इस दिन शाम के समय सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। छठ पूजा का पहला दिन नहाए खाए 5 नवंबर 2024 मंगलवार, छठ पूजा का दूसरा दिन खरना 6 नवंबर बुधवार को है। छठ पूजा के पहले दिन को नहाए खाए कहा जाता है। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:29 पर है। इसके साथ ही सूर्य अस्त शाम 5:41 पर है। इस दिन प्रति स्नान करती हैं और एक समय भोजन करती हैं। छठ पूजा के दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। इस दिन छठी माता के लिए भोग बनाया जाता है। शाम के समय मीठा भात और लौकी की खिचड़ी खाई जाती है। छठ पूजा के तीसरे दिन शाम के समय सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है। इसके साथ ही बांस के सूप में फल, गन्ना, चावल के लड्डू, ठेकुआ सहित अन्य सामग्री रखकर नदी सरोवर के अंदर खड़े होकर पूजा की जाती है। इस दिन सूर्य अस्त शाम 5:29 पर है। छठ पूजा के 4थे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:37 पर है। इस दिन व्रती अपने व्रत का पारण कर देती हैं। तो फ्रेंड, ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें। अगर चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।